Hi everyone, I'm Sonali and welcome to my channel. I hope you all are doing well. Today I have come up with a very interesting topic and it's about five books you must read. I started reading when I was very young in my school days and it's a never-ending love affair. What I would say about books is that ki जैसे कि यू नो हमें हर तरीके का खाना नहीं पसंद होता है और जैसे कि हर किसी को हर स्टाइल का कपड़ा नहीं पसंद आता है, सबका अपना एक स्टाइल होता है. सिमिलरली इन बुक्स आपको हर टाइप की बुक पढ़ना पसंद नहीं आएगा. आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है आप उसके बारे में पढ़ो. पिक योर जॉनर. एंड व्हाट आई डू, मैं अपने लिए क्या करती हूँ, मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी पढ़ने का बहुत शौक है. सो मुझे जो लोग बहुत इंस्पायर करते हैं मैं उनकी रिकमेंडेड लिस्ट देख लेती हूँ और उसमें जो मुझे बुक अच्छी लगती है थोड़ी सी उसकी समरी पढ़ के एंड आई स्टार्ट रीडिंग अबाउट दैट बुक. सो आई होप ये ट्रिक आपको भी यूजफुल लगेगी, नहीं तो आप मेरा वीडियो देख लो. मैं आज आपको फाइव बुक्स बताऊंगी. फाइव बुक्स में सारी अलग जॉनर की हैं और मैं आपको उसकी थोड़ी क्रिस्प में डिटेल दूंगी कि उसका स्पॉयलर भी ना हो और आपको समझ भी आ जाए कि बुक एक्चुअली में किस बारे में है. सो आई विल स्टार्ट विद माय मोस्ट फेवरेट बुक जो मैं इट दिस बुक हैज़ हेल्प मी टू ट्रांसफॉर्म एज अ पर्सन एंड इट इज़ अ वेरी वेरी नाइस बुक. आई गॉट टू नो अबाउट दिस बुक फ्रॉम दी रिकमेंडेड लिस्ट ऑफ ओपरा विनफ्री. हम सब उन्हें जानते हैं. एंड इट्स अ न्यू अर्थ बाय एकहर्ट टोले. सो जब ये बुक स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में एकहर्ट टोले ने बोला है कि दिस बुक विल चेंज योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस और इट विल बी मीनिंगलेस. सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज इट इज़ फॉर दोज हु आर रेडी. इस बुक में कई सारे चैप्टर्स हैं लाइक हाउ नॉट टू ड्वेल इन द पास्ट, हाउ टू कीप चेक ऑन आवर ईगो एंड हाउ टू क्वाइट आवर माइंड एंड द लास्ट वन इज हाउ टू बी इन द नाउ, हाउ टू बी इन द प्रेजेंट. सो बेसिकली जो इस पूरे बुक की फिलॉसफी है रिवॉल्व्स अराउंड दैट द बिगेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू आर सेल्फ और टू समबडी एल्स इज इट इज़ आर अटमोस्ट अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट्स. अगर हम किसी कॉन्वर्जेशन में हैं तो उसमें कैसे रहें एंड हाउ टू बी इन द नाउ. सो हम लोगों ने बहुत फिलॉसफी सुनी हुई है कि प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर, हाउ टू बी नाउ, व्हाट इज प्रेजेंट मोमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स. बट आर वी एबल टू अडॉप्ट दैट, आर वी एबल टू रियली यू नो एब्जॉर्ब दैट इन आवर लाइव्स? ऐसा नहीं है. ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? उसका रीज़न ये है कि शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी है, उसको हम अपने लाइफ में यू नो इनकलकेट नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे कोई रीज़न है. सो ये चारों ही जो चैप्टर हैं बहुत डिटेल में इनके बारे में डिस्कस किया गया है एंड व्हाट इज़ पावर ऑफ नाउ उसके बारे में बहुत एक्सप्लिसिटली बताया गया है. सो जब आप उसको पढ़ोगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू यू नो टू एब्जॉर्ब दैट थिंग इन योर लाइफ. एंड बहुत सारे मोमेंट्स इस बुक में शेयर किए गए हैं. इसमें एग्जाम्पल दिया है, एक जेन मास्टर होते हैं, वो ही वॉज वॉचिंग क्रिकेटर प्लेइंग इन द फील्ड. सो वॉट ही नोटिसेज इज जो वो क्रिकेटर होता है वॉज सो डेस्परेट टू विन द गेम कि हिज कम्प्लीट फोकस वॉज इन द फ्यूचर टू विन द गेम. उसका सारा ध्यान कहाँ होता है? उस मैच को जीतने में. सो ही वॉज नॉट इन द नाउ, ही वॉज नॉट इन द गेम. सो ये उनकी जो पूरी फिलॉसफी है रिवॉल्व्स अराउंड दिस ओनली कि द बिगेस्ट गिफ्ट वी हैव इज़ द पावर ऑफ नाउ. जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी हम बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं किसी, बस सोचते रहते हैं कि अब की बार वो बंदा ये बोलेगा ना तो मैं उसको ये बोलूँगी, उसने मेरे साथ ये किस किया भी कैसे, आई डोंट इवन डिजर्व दिस. सो ये ऐसा चलता रहता है दिमाग और हमें वो टाइम भी नहीं पता चलता और कितना टाइम हम इसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं. ऐसा क्यों होता है? ऐसा दो रीजंस के वजह से होता है. पहला, वी आर वेरी मच आइडेंटिफाइड विद द इमेज जो हमने अपने दिमाग में बनाई होती है. एंड सेकंड थिंग इज कि हम इतना ज़्यादा अनकॉन्शियस होते हैं कि हम ये रियलाइज़ भी नहीं करते हैं कि वो बंदा हमारे सामने भी नहीं बैठा है और हम ऐसा लग रहा है कि और बातें किए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो सामने ही बैठा हुआ है. तो हमारा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होता ही नहीं है, वहाँ पे मिसिंग होता है वो पूरी तरह. सो इन द एंड वो कहते हैं कि लाइफ इज़ अ डांस एंड वी ऑल आर द डांसर्स एंड ही उनकी फिलॉसफी यही है टू बिकम वन विद लाइफ, टू बिकम वन विद नाउ. एंड मेरा बस चले तो मैं इसकी एक फ्री कॉपी सबको बांट दूँ. इट्स सच अ नाइस बुक. आई हाईली रिकमेंड यू ऑल टू रीड दिस. नाउ माई सेकेंड बुक इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड इट्स अ सेल्फ हेल्प बुक. सेल्फ हेल्प का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि जब आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए या बहुत किसी परेशानी में हो तभी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो. सेल्फ हेल्प बेसिकली
टॉक्स अबाउट अ पर्टिकुलर हैबिट, और किसी एक वो किसी हैबिट के ऊपर बात करती हैं जो वी कैन इनकल्केट इन आर सेल्स एंड वी कैन ट्रांसफॉर्म आर लाइफ अकॉर्डिंगली. मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करनी है, यूजुअली वो एक हैबिट होती है. सो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में द बुक स्टार्ट्स विद व्हाट इज कॉन्शियस माइंड एंड व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड. पहले आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये दोनों माइंड कैसे वर्क करते हैं. एंड येस देर इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन दिस, बट इसमें ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए और सोचते ही जा रहे हो. देर आर मैनी टेक्निक्स एंड एग्जाम्पल्स शेयर्ड इन द बुक. आप जो आपको टेक्निक अच्छी लगती है आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो. बेसिकली दिस बुक गिव्स यू अ ब्लू प्रिंट कि आप अपने ड्रीम्स को, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, हाउ वी कैन यूज़ आर माइंड टू फुलफिल आर ड्रीम्स. एंड मुझे जो बेस्ट टेक्निक लगी है इसमें वो है अफर्मेशन वाली. आई रियली लाइक्ड इट एंड मैंने उसको पर्सनली अडॉप्ट भी किया एंड इट हैज़ रियली हेल्प मी. मैंने जब भी यूज़ किया है उस चीज़ को, और पूरा अच्छे से आपको एक तरीका बताएंगे. जैसे है ना कि यही चीज़ है कि हमें पता है बट उस चीज़ में एक्सेल कैसे करें ये हमें नहीं पता, या उस चीज़ को आप अपने लिए कैसे यूज़ करें हमें नहीं पता है. सो ये बुक आपको पूरा एक पाथ देगी कि आप कैसे यू कैन यूज़ योर माइंड, योर एनर्जी टू फुलफिल योर ड्रीम्स. अ मस्ट 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 रीड. And now my third recommendation for all of you is The Immortals of Meluha, the first book of Shiva Trilogy by Amish Tripathi. And its genre is mythology and fictions. Its immense popularity forced me to read this book. So basically, it is written in 1900 BC. It shows the ancient India. Meluha is a land ruled by Lord Ram. And everyone in Meluha is a very big follower of Lord Ram. And Meluhan Empire is ruled by Suryavanshis. And there is another party which is Swadipans, ruled by Chandravanshis. Yes, Chandravanshis and Suryavanshis do not get along. They are very big rivals. This is like good versus evil. And Meluhans believe that there will be a man from a different tribe unko aake bachayega from Chandravanshis aur unke evil se. And here enters the Shiva, god of gods, the Mahadev. And the interesting part in this book is ki Shiva ko khud nahi pata hota hai ki he is the chosen one. So it is the journey of Shiva becoming Mahadev, jisme bahut sare incident share kiye hue hain, jahan pe Chandravanshi aur Suryavanshi ki ladai bhi hoti hai, usme fir Sati bhi aati hai, then Shiva and Sati ka pyar is discussed, friendship, everything. That journey is very beautiful. Aapko pure book mein hamesha ek excitement bana rahega ki yaar ab kya hoga. And last mein ek रिवोल्यूशन होता है जो आप सोच रहे होगे ना कि अरे ये तो थोड़ा सा लड़ाई है, माइथोलॉजी है, बट रिवोल्यूशन इज समथिंग एल्स. इट्स अ वेरी बुक, वेरी गुड लेसन टू यू. अगर मैं वो बता दूंगी तो सब स्पॉइल हो जाएगा. जो इस बुक में एक चीज़ है वो ये बताई गई है कि वी एनीबॉडी बिकम्स गॉड बाय हिज कर्मा. कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे गॉड बन जाता है. योर कर्मा मेक्स यू गॉड. एंड इट्स अ वेरी, मतलब बहुत अच्छे से बुक को बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है. और मुझे ऐसा लगता है कि इस बुक में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, कि जहाँ पे आपको एक्साइट भी करता है, आपको स्लो भी होता है, वो बहुत अच्छे से अमीश त्रिपाठी ने एक्सप्लेन किया हुआ है. सो इट्स अ मस्ट रीड फ्रॉम माय साइड. डू रीड इट. एंड सो माय नेक्स्ट रिकमेंडेशन फॉर ऑल ऑफ यू इज ट्यूजडेज विद मूरी. It was in the recommended list of Robin Sharma, and this book is all about life and living. मुझे नहीं लगता इतनी आसान तरीके से और जितनी ब्यूटीफुली मूरी ने ज़िंदगी के बारे में बताया ना, कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी के सही मायने क्या हैं, आपको कोई और बता सकता है. एंड बेसिकली इसमें होता क्या है कि मूरी इज़ अ प्रोफेसर हु इज़ अ वेरी जॉली प्रोफेसर, डायग्नोज विद अ वेरी रेयर इनक्यूरेबल डिजीज़. उनके एक स्टूडेंट होते हैं मिश एल्बम, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक ऑल्सो. So Mish got to know about his professor. So he meets him at his house after 16 years. फिर मूरी और मिश साथ में बैठने लगते हैं ऑन एवरी ट्यूजडेज. वो एक ट्यूजडेज बैठते हैं, फिर दूसरे ट्यूजडेज मिश उनकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेते हैं. एंड जो मूरी की टीचिंग है वो ये है कि दैट व्हाट वी मिस आउट इन लाइफ इज दैट वी डोंट सी ब्यूटी इन सिंपलेस्ट थिंग. हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लेंगे, या हम बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, या हम कुछ ऐसा कर लेंगे या वैसा कर लेंगे, तब मेरी ज़िंदगी के मायने पूरे होंगे, या मैं तब खुश रह पाऊँगा. वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है. लास्ट में ये सब कुछ नहीं मैटर करता है. व्हाट मैटर्स इज़ कि
हाउ यू लिव लाइफ एंड आप उसको कितना जी रहे हो और किस तरीके से जी रहे हो. सो एक एग्जाम्पल दे के बताती हूँ. मूरी के पास लोग मिलने आते थे तो उन्हें लगता था कि अरे इज अ ओल्ड मैन विद अ वेरी यू नो रेयर डिजीज. सो हम आज इन्हें खुश करके जाएंगे, कुछ बहुत पॉजिटिव दे के जाएंगे, कुछ दे के जाएंगे बेसिकली. बट जब वो मूरी के पास से मिल के निकलते थे होते हैं तो दे हैव टीयर्स इन देयर आइज. सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मूरी ये मानते हैं दैट आई वॉन्ट टू गिव सो मच टू अ पर्सन कि जब वो जाए तो मैं उस आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग फ्रॉम द पर्सन. मैं इतना कुछ दे देना चाहता हूँ कि वही उसके लिए सब कुछ हो. सो बेसिकली ही बिलीव्स दैट गिविंग इज लिविंग. एंड ऐसे ही बहुत सारे ब्यूटिफुल मोमेंट्स हैं इस बुक में. एंड मैं आपको और एक बार बताऊँ तो जो टेक अवे मेरे लिए था इस बुक का वो ये था कि वो कहते हैं वी डू नॉट फॉरगिव फॉर द अदर पर्सन, वी फॉरगिव फॉर आर सेल्व्स. बिकॉज when you don't forgive, it clings in you, it sticks in you and it poisons you. So, जब आप हम ऐसे ही ज़िंदगी में उसने मुझसे ये बोला झगड़ा लड़ाई और इन्हीं सब चीज़ों छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं. सो वो कहते हैं ऐसा उनके साथ भी एक इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से ही रियली ब्रेक डाउन की किसी फ्रेंड से उनका झगड़ा हुआ होता है, वो उससे बात नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो जो दूसरा पर्सन होता है वो कैंसर से मर जाता है. तो वो यही कहते हैं कि हम इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहते हैं. इट्स नॉट अबाउट दैट. एंड आप कभी भी देख लेना अगर आप किसी के अगेंस्ट कुछ होल्ड करोगे ना इट पॉइजन्स यू. इट्स नॉट इट डजंट पॉइजन द अदर पर्सन, इट पॉइजन्स यू ओनली. सो ये इनकी पूरी मूरी की फिलॉसफी जो है वो इसी के यू नो रिवॉल्व करती है. इट्स अ वेरी नाइस बुक, मस्ट 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 रीड. एंड नाउ my last recommendation for all of you is the kite runner. now this is a fiction, this is completely fiction. afghanistan ki ye story hai jisme do families hain, ek hai amir ki family and ek hai hasan. amir aur hasan dono apne father ke sath rehte hain. amir hasan jo hote hain, hasan aur hasan ke father amir ke yahan as a servant kaam kar rahe hote hain. so amir aur hasan bachpan se sath mein rahe hote hain, so they are very गुड फ्रेंड्स एंड दे रियली गेट अलॉन्ग. बट क्या होता है कि हसन के साथ कुछ बहुत हसन को कुछ लोग बहुत बुली करते हैं और आमिर वो होता हुआ देखता है कि हसन के साथ ऐसा होता है बट ही डिड नॉट डू एनीथिंग. वो होता हुआ देखता है बट ही डिड नॉट हेल्प आउट हिज फ्रेंड. और इसी गिल्ट में आमिर जीता है. वो एक गैप बिल्डअप कर देता है. फिर बड़े होने के बाद भी जो है आमिर ऐसा कुछ करता है जिसके वजह से वो गैप बिल्डअप हो जाता है. बट जब फिर वो जो ये सिर्फ बीच में इंसिडेंट है ना, वो ऐसा क्या होता है, वो एक्साइटमेंट लाता है, ऐसा क्या होता है हसन के साथ. फिर उसके बाद आमिर क्या अगेन क्या करता है जो वो स्टोरी को मतलब यू नो दोनों में और गैप लेके आता है, वो बहुत 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 इंटरेस्टिंग है. और उसके बाद आई एम टेलिंग यू बी रेडी विद अ टिश्यू और बॉक्स बिकॉज यू विल एंड अप क्राइंग, इट्स सच अ बुक. फिर उसके बाद में फिर आमिर वापस भी आता है हसन के पास कन्फेस करने के लिए व्हाट ऑल हैपेंड. एंड इस बुक का नाम जो काइट रनर है वो इसलिए है क्योंकि एक फ्रेंडशिप के ऊपर है बुक. एंड अफगानिस्तान में ये दोनों ही आमिर और हसन पार्टिसिपेट करते हैं काइट कंपटीशन में, टूर्नामेंट्स में. एंड जब भी आमिर की पतंग कटती थी तो उसको हसन ही लेकर आता था. और ऐसे बहुत सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स है बुक में. इट्स अ वेरी टचिंग बुक. सो अगेन मस्ट 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 रीड. सो आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ टेल मी इन दी कॉमेंट बॉक्स आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा बुक्स का. एंड टेल मी कि अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं किसी और बुक का रिव्यू करूँ तो आई विल डेफिनेटली डू दैट. आई विल मेक अ सीरीज ऑफ दिस वीडियो कि आपको और कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए. मैं सारे जॉनर्स को कवर करने का ट्राई करूँगी. स्टे ट्यून्ड विद मी. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट कि आगे जो भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. Thank you so much for watching this. Thank you.